नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और नए वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बैद्यनाथ कंपनी की माम जिस्टा दृष्ट काढ़ा से रिलेटेड, इसको कैसे यूज़ करना है, कैस के मार पे कौन सी बीमारी में इसको यूज़ किया जाता है, और इसमें आपको क्या परहेज रखना है, क्या आप इसमें सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, कब तक आप इसको ले सकते हैं, इससे जुड़ी हर जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर उसमें वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही जो बेल आइकन बटन उसको प्रेस जरूर करें। सो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो बैद्यनाथ कंपनी का माम जिस्टा दृष्ट काढ़ा है किस लिए बनाया गया है, कौन सी बीमारी में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये खासतौर पर यूज़ किया जाता है स्किन डिजीज के लिए, जैसे कि आपके फेस पर एक्नेस देखे जा रहे हैं, पिंपल्स देखे जा रहे हैं, स्किन रेसेस हो रहे हैं, या फिर आपके जैसे इन्फ्लेमेशन देखी जा रही है, या फिर आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये आपकी स्किन में अगर ईचिंग देखी जा रही है, बर्निंग सेंसेशन देखी जा रही है, या फिर आपका बात करो कोई आपका जो कम्प्लेक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जॉइंट पेन के लिए यूज़ किया जाता है, अगर कोई दोस्तों जोड़ों में दर्द रहता है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो कि दोस्तों ऐसी बीमारी में दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है, और इसकी क्या MRP है वो दोस्तों 110 रुपये का आता है, जो कि आपके नज़दीक जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है वहाँ से इसको ले सकते हैं। और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है 10 से 15 ml आपको यूज़ करना है, और जो कि खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक ही दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बैद्यनाथ कंपनी का माम जिस्टा दृष्ट काढ़ा है, इसको आप कितने महीने तक यूज़ कर सकते हैं, कितने महीने के अंदर दोस्तों रिजल्ट देता है। अगर आपकी प्रॉब्लम दोस्तों काफ़ी लंबे समय से जैसे देखे जाए, जैसे 3 मंथ से देखे जाए, 6 मंथ से देखे जाए, तो इसको थोड़ा कंटिन्यूस करें, बराबर इसका यूज़ करें, तभी दोस्तों इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको क्या परहेज रखना है, तो इसमें एक्सेसिव स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, सॉर फूड्स अवॉइड करना है, और दोस्तों पिकल अवॉइड करना है, ब्रिंजल अवॉइड करना है, मसूर की दाल आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, दोस्तों गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है, और दोस्तों जितना उसे चटपटी चीज़ें परहेज रखें। और दोस्तों इसमें आप क्या सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों आप जो नीम के पानी से नहा सकते हैं, और अगर आपको ईचिंग देखी जा रही स्किन में, तो इसमें आप दोस्तों कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कि रात में लगाएं, और इससे आपको काफ़ी दोस्तों राहत मिलेगी। और लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं दोस्तों आपने आज ही मेडिसिन ली और आज ही आप ठीक हो गए, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों रिजल्ट आप सभी को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की इस काढ़े की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों तब तक हमसे जुड़े हैं, हमें सपोर्ट जरूर करें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। सो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी से दिल से धन्यवाद। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।